press the bell icon on the YouTube app and never. ये दो चीज़ दो लोग एक साथ भीख मांगने के लिए रोड पर आए हैं. क्या वजह है कि 1989 में अब्दुल्ला फैमिली ने तमाम कश्मीरी पंडित से उनकी जमीन और जायदाद छीन ली और उनको ही हमारे जम्मू कश्मीर से बेबहरा कर दिया. क्या बात है कि अब्दुल्ला फैमिली ने 1965 के वॉर में जब मुख्यमंत्री हुए कश्मीर, बलवंत रॉय का नाम आज भी अब्दुल्ला फैमिली ने कश्मीरियों को लेने नहीं दिया. जो कश्मीर पंडितों का था, जो जम्मू और कश्मीर जो पंडितों का था और उनके पास एकड़ एकड़ जमीन थी, उनकी जमीनों को कब्जा अब्दुल्ला फैमिली ने किया और उनको बेबहरा कर दिया. क्या बात है क्या यासीन मलिक बेनजीर भुट्टो के कहने पर कश्मीरी पंडितों को बीच से चीर दिया करता था. क्या बात है कि बेनजीर भुट्टो पीओके में आकर के मस्जिदों से ऐलान कर. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है. तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार शैला खान को, जो कि इंटरव्यू लेंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की वकील नाजिया इलाही खान का, वो भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे. तो ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा. तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें. जय हिंद जय भारत. आर्मी को धक्के मार कर बाहर निकाल रहे हैं आपके पाकिस्तान के. जो आप जो कह रही है कि कश्मीर जो है वो आजाद वर्ड आपने इस्तेमाल किया है कि वो आपके उर्दू में आता है, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जब अमेरिका का सपोर्ट आपके साथ था, जब यूएई का सपोर्ट आपके साथ था, जब एक वक्त था कि पाकिस्तान के कहने पर ही हर एक देश अपनी अपनी बातों को रखता था और मानता था, तब आपने आजाद कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज क्यों नहीं किया, तब आपने आजाद कश्मीर में उन्नति क्यों नहीं लाई. आज आप इकोनॉमिकल क्राइसिस पर हैं पिछले 8-9 साल से. एक तरफ भारत में कांग्रेस के हाथ में भीख का कटोरा आया और दूसरी तरफ पाकिस्तान के हाथ में भीख का कटोरा आया. ये दो चीज दो लोग एक साथ भीख मांगने के लिए रोड पर आए हैं. क्या वजह है कि 1989 में अब्दुल्ला फैमिली ने तमाम कश्मीरी पंडित से उनकी जमीन और जायदाद छीन ली और उनको ही हमारे जम्मू कश्मीर से बेबहरा कर दिया. क्या बात है अब्दुल्ला फैमिली ने 1965 के वॉर में जब मुख्यमंत्री हुए कश्मीर, बलवंत रॉय का नाम आज भी अब्दुल्ला फैमिली ने कश्मीरियों को लेने नहीं दिया. जो कश्मीर पंडितों का था, जो जम्मू और कश्मीर जो पंडितों का था और उनके पास एकड़ एकड़ जमीन थी, उनकी जमीनों को कब्जा अब्दुल्ला फैमिली ने किया और उनको बेबहरा कर दिया. क्या बात है क्या यासीन मलिक बेनजीर भुट्टो के कहने पर कश्मीरी पंडितों को बीच से चीर दिया करता था. क्या बात है कि बेनजीर भुट्टो पीओके में आकर के मस्जिदों से ऐलान करती थी कि लश्कर-ए-तैयबा और यासीन मलिक मेरी दलाली के गर्ज में और पैसों के लालच में पूरे जम्मू एंड कश्मीर को बर्बाद कर डालो और पंडितों से कहो कि फला फला तारीख में कश्मीर जम्मू कश्मीर को छोड़ दे, नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ेगा और अरबों खरबों और मिलियन की प्रॉपर्टी को छोड़ करके अपनी जान महज बचाने के लिए कश्मीरी पंडित कभी हिमाचल में जाकर बस गए, कभी हैदराबाद में जाकर बस गए, कभी दिल्ली में जाकर बस गए और कभी तेलंगाना में जाकर बस गए. क्यों? कभी जयपुर में जाकर बस गए. क्यों? क्या वजह है? सरकार में अब क्योंकि मौजूदा सरकार में अब्दुल्ला फैमिली जैसा चमचा पाकिस्तान काकड़ को कड़कड़ा कड़कड़ा कर मिल नहीं रहा है. अब क्योंकि यासीन मलिक जैसा देशद्रोही, यासीन मलिक जैसा टेररिस्ट का हेल्प मदद पाकिस्तान को मिल नहीं रहा है. अब क्योंकि पाकिस्तान अजमल कसब नहीं भेज पा रहा है. अब क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की मस्जिदों से पाकिस्तान के काकड़ कड़कड़ा करके कोई ऐलान नहीं कर पा रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर को कैसे तबाह और बर्बाद करना है. इसलिए तकलीफ हो रही है, इसलिए बुरा लग रहा है. नहीं हो पाएगा, ये मोदी की सरकार है, यहाँ नहीं हो पाएगा. मुझे याद है कि ये कोई पहली घटना नहीं है. मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहती हूँ कि भारत में हिंदुओं पर अत्याचार कोई पहली घटना नहीं है. 1966 में इंदिरा गांधी ने ऑर्डर किया था
हजारों लाखों हिंदुओं को मार डालने के लिए, स्लॉटर करने के लिए, जिसमें महंत और संत भी थे। और चार दिन पहले उन्होंने इलेक्शन जीता था और उन्होंने ऐलान या माइक पर कहा था इंदिरा गांधी जी ने कि हिंदू नहीं होते तो फिर से मुझे मैं सरकार नहीं बना पाती, हिंदू नहीं होते तो मैं जीत नहीं पाती। और उसके चार दिन के बाद हिंदू स्लॉटर उन्होंने करवाया और खास करके संत और महंत को उन्होंने मरवाया। 1947 में आजादी के वक्त जब हजारों लाखों की तादाद में हिंदू समाज, हिंदू समुदाय के लोग और सिख समाज और सिख समुदाय के लोगों ने कड़कती हुई कड़कड़ाती हुई दिल्ली की सर्दी में कई मस्जिदों में आसरा लिया था, कई मस्जिदों में अपने सर को छुपाया था और बच्चों की जान बचाई थी सर्दी से, तो हमारे गांधी जी, फादर ऑफ नेशन बापू जी, वो धरना पे बैठ गए थे हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर के, और उन्होंने जिद पकड़ ली कि ऐसी कड़कड़ाती हुई सर्दी में, दिल्ली की सर्दी में और ऐसे ऐसे आलम में और रिमझिम बरसात में, जहां पर लोगों की बीमारी से जाने जा रही थी, सर्दी से जाने जा रही थी, और आज भी दिल्ली की सर्दी मशहूर है तो उस वक्त तो और भी मशहूर थी, और उन्होंने मजबूर किया था गांधी जी ने हिंदू समाज के लोगों को और सिख समाज के लोगों को मस्जिदों से निकल जाने के लिए। और वहां से ही उन्होंने एक करवाहट बोई और एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेली और हिंदुओं पर अत्याचार को उन्होंने कहीं ना कहीं अग्नि में घी डाला कि लो करो मुसलमानों हिंदुओं पर अत्याचार। और वही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी हमने देखा इस बार इलेक्शन में, जब राहुल गांधी जी बैठे बड़े मुख बन करके, बड़ा चेहरा बन करके, तो उन्होंने भी ओबीसी और मुसलमानों को डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करने की पूरी कोशिश कर डाली, और उन्होंने सिर्फ समाज, सिर्फ समुदाय, सिर्फ वोटर्स, सिर्फ व्यक्ति, सिर्फ इंसान से नहीं, बल्कि उन्होंने पत्रकारों से भी पूछ डाला। राहुल गांधी जो गांधी परिवार के आखिरी चश्मो चिराग हैं, उन्होंने पत्रकारों से भी पूछ डाला तुम ओबीसी हो, तुम मुसलमान हो, तुम दलित हो, तुम डोम हो, तुम क्षेत्री हो, तुम ब्राह्मण हो। राहुल गांधी ने यह भी पूछ डाला। मुझे याद है कि इंदिरा गांधी जी और पूरा गांधी परिवार एक स्लोगन लगाता था, जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। उसके बाद फिर मंडल कमीशन में बैठ करके, उस मीटिंग में बैठ करके राजीव गांधी जी ने स्लोगन लगाया था, जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, इंदिरा गांधी जी की बात पर। उसके बाद फिर राहुल गांधी जी जब आए तो उन्होंने नेहरू और बापू जी को इतना फॉलो किया कि धर्मों को बांटने की राजनीति उन्होंने फिर से दोहराई, और उन्होंने कहा जात पे और पात पे फिर भी मोहर लगेगी हाथ पे, और पार्टी ले आया राहुल गांधी फुटपाथ पे। एक और नारा लगाते थे, 1990 के दशक की बात है कि एक और नारा गांधी परिवार से और बापू जी लगाया करते थे, नेहरू जी लगाया करते थे, सारे भारत से नाता है हमें सरकार चलाना आता है। ये लीजिए मुल्क पार्टी मोहल्ले की पार्टी हो गई है, और 2024 में हमारे भारत के प्रधानमंत्री के जीतने के बाद और तीसरी बार वोट लेने के बाद राहुल गांधी का तो पॉलिटिकल करियर खत्म हो ही रहा है, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान के साथ साथ कांग्रेस मुक्त भारत अभियान तो जनता ने चला दिया। मैं पूछना चाहती हूँ कि 1950 में कश्मीरी पंडितों को, जब हजारों कश्मीरी पंडितों को बाहर निकाला जा रहा था बेनजीर भुट्टो के कहने, बेनजीर भुट्टो के इशारे पर, बेनजीर भुट्टो के पैसे पर, बेनजीर भुट्टो के जिहादी टेररिस्ट के जरिए से, तो उस वक्त कांग्रेस की सरकार नींद की गोली खाकर सो रही थी। कांग्रेस की सरकार ने क्या किया? नेहरू जी के पत्र को उठा करके अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में पढ़ा है, और जिसमें नेहरू जी ये लिख करके कह रहे हैं कि दो ऐसे ब्लंडर मिस्टेक नेहरू जी से हुए हैं जिसका परिणाम आने वाले भारत के वासियों को भुगतना पड़ेगा और शायद इतिहास के इस पन्नों को उठा भी दिया जाएगा। तो वही तो बोला अमित शाह जी ने जो नेहरू जी ने अपने पत्र में लिखा था, और उस पत्र को पढ़ा है उन्होंने, उसी पत्र को पढ़ा है उन्होंने। एक सीज फायर और दूसरा यूएन में लेके चले गए कश्मीर के मामले को, मैंने उनकी स्पीच सुनी। लेकिन एक चीज यहाँ पर सवाल आता है कि पाकिस्तान ने इंडियन साइड के कश्मीर को हासिल करने के लिए जंगों का चुनाव किया, और इसके साथ साथ बहुत सी जहादी तंजीमें वहां पर एक्टिव रही, लाल चौक स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा टारगेटेड एरिया रहा, लेकिन इंडिया पॉलिटिकली पाकिस्तानी कश्मीर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जैसे कि
उनको जम्मू एंड कश्मीर असेंबली के अंदर 24 सीट्स दे रही हैं। अब सवाल ये आता है, क्या ये 24 सीट्स खाली रहेंगी या फिर पीओके की तरफ से कोई उम्मीदवार आएंगे, ये जरा बताएं मुझे। अच्छा आप मुझे पहले आप ये बताएं कि हमारी सेना पीओके में एंटर कर चुकी है क्या? नहीं ना? हाँ नहीं। हमने कोई वॉर छेड़ा है क्या, या कोई अल्टीमेटम या गैजेट पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर को गया है? नहीं ना। हमने कोई वॉर के माध्यम से खून की नदियां बहाई हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो बस इतना दिखा रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर कितना डेवलप कर चुका है, कितना इम्प्रूव कर चुका है, और आपके आजाद कश्मीर, आपका नहीं मतलब कब्जा किया हुआ, ऑक्यूपाई किया हुआ इलीगली आजाद कश्मीर के लोग खुद ही नारा लगाने लगे कि हमें पाकिस्तान से मत जोड़ो, हमें पाकिस्तान से जुड़ना नहीं है। देखिए, जब पसमानदा मुसलमानों की बात उठाई थी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने अपने स्पीच के माध्यम से, तो कई मुसलमानों को, अभी आप ही मुझे कह रही थी कि कई मुसलमानों को टिकट दे दिया और वो कई मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बन गए और विधानसभा में भी चले गए। जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने महिलाओं को वंदन करने की बात उठाई तो उन्होंने पार्लियामेंट में बिल पास करवा दिया 33 वुमेन रिजर्वेशन बिल। जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने यह आवाज उठाई कि भारत अब तरक्की करेगा तो हम अभी 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 इसी वीक में हम 4 ट्रिलियन स्टॉक में हम रीच कर गए। हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम बिल्कुल थर्ड पोजीशन पर हम इकोनॉमी में भी जाएंगे और जितने भी हमारी योजनाएं आ रही हैं, जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उससे हम थर्ड में नहीं, हम सेकंड पर चले जाएंगे। तो अभी आपका एक बहुत अहम सवाल था कि 25 सीटें खाली रह जाएंगी या वो होंगी। पीओके से बहुत सुकून से, बहुत शांति से 25 उम्मीदवार आएंगे, नॉमिनेशन भरेंगे, भारत के संविधान का ओथ लेंगे और असेंबली में बैठेंगे, ये गारंटी मैं आपको दे। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजी अलाई खान जी का बेबाक और दमदार अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें उन्होंने बात की पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की, जो कि कुछ दिनों से काफी सुर्खियां बटोर रहा है और काफी चर्चा में है, क्योंकि भारतीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने जब से संसद में यह कहा है कि भारत ने पीओके की 24 सीट्स को रिजर्व रखा है और जैसे ही भारत पीओके को वापस लेगा, इन 24 सीट्स पर भी इलेक्शंस होंगे जिसपे भारतीय उम्मीदवार खड़े होंगे, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।